ओ ये सच है क्या? चैन ही खाने पे लिखा था चैन के। हाँ देसी हिप। हेलो नमस्कार राम राम सलाम सत श्री अकाल मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल। इक्का भाई का गाना आ गया है, गाने का नाम है आवाज़ ये आज़ाद। और ये गाना भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टाइटल और इसका जो अगर आपने पोस्टर देखा हो तो कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ रखे थे। और जो लग रहा है मुझे कहने के कि आज के जो हालात हैं और आज जो इतना सब कुछ हो रहा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये गाना होने वाला है। और उससे बड़ी चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, इक्का और रफ्तार भाई का मैंने लाइव चैट देखा था भाई, दिल खुश हो गया, मजा आ गया, आनंद आ गया। और मुझे लग रहा है कि भाई बहुत जल्दी कोलैबोरेशन भी इनका दिखने वाला है। फिलहाल ये गाना आ गया है, उसके अंदर थोड़ा बात बोली थी इक्का भाई ने कि भाई आजकल देश में इतना नेगेटिविटी फैल गई है, आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए लगे रहते हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये गाना लिखा है। तो गाना आ गया है, गाने को सुनेंगे, देखेंगे क्या लिखा है इक्का भाई ने। और अगर आपने पहला गाना सुना हो इससे पहले का हिप टू द हॉप भाई, वो गाना बहुत ही बेहतरीन था। उसके अंदर जो एडलिप्स भाई ने यूज किए थे ना, दिल खुश हो गया भाई। और बिल्कुल नया यूनिक लगा था कि भाई हर एक लाइन के बाद एक एडलिप यूज करना, मैंने अभी तक हिप हॉप के अंदर ऐसा सीन मैंने नहीं देखा था इंडिया के अंदर। बट यहाँ पे एक और गाना आ गया, इसकी बात करेंगे, इसको सुनेंगे और फिर बात करेंगे गाने के बारे में। लेट्स गो आवाम ये आजाद। अच्छा इक्का भाई भी है उधर, वो चाहते हैं मेरी आवाज को बंद करना। ओके कौन? पर वो कर नहीं पाएंगे। किसी का खौफ नहीं, क्या बात, किसी का डर नहीं। तू मेरा नाश्ता केकड़ा और प्रोन है, मैं हूँ रियलिटी, सब कुछ क्रोम है, फ्यूचर से आया तेरा भाई मेगाट्रॉन है। क्या बात, इतनी तेज ना दिखाई तू, फ्री वॉइस मैं सबको सुनाई तू, न आपसे ग्रस सब लोग। ओ ये सच है क्या? चैन ही खाने पे लिखा था चैन के। ये चैन के लिए तो नहीं यार, इसके पीछे जो बोला गया कि तू मेरा नाश्ता है, क्योंकि चैन के को लोग चाइना चाइना बोलते हैं, और केकड़ा वेकड़ा जो बोला गया था कि तू मेरा नाश्ता है, कहीं चैन के लिए तो नहीं बोल रहा भाई। भाई मुझे मुझे तो शायद ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ, जो इससे पहले जो सारी चीज़ें बोली गई थी मैं इतना तेज हूँ ये वो, शायद ये चैन के लिए हो सकता है भाई। भाई मुझे आइडिया अभी देखना, चाइना चैनी खैनी तो उसमें लिखा है कि चैन के, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है भाई ये हो सकता है। बट आई एम सॉरी अगर मैं इस जगह पे गलत हूँ तो, बट क्योंकि बीच में कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी इक्का के बारे में, बहुत कुछ बोल दिया था। एक गाना भी निकाला था इन्होंने, उसके अंदर बहुत सारे इंडियन रैपर्स को इन्होंने कुछ कुछ बोला था चैन के ने, तो शायद उसका ये रिप्लाई हो सकता है मेरे हिसाब से शायद। ये देखो चैन के, चैन से मजे लो, पता नहीं यार ये क्या सीन है, बट फिर तो जुड़ा हुआ है यार। सब लोगों को दवाई दूं, इनके रैप हैं चूतड़ में हाथ खोल के जमाई लूं। अब लग रहा है शायद ये चैन के लिए ही है भाई, अब लग रहा है शायद चैन के लिए है। मेरी टीम प्रो, मुझे कोच नहीं चाहिए, आर्मी सॉलिड फेक जोश नहीं चाहिए, दो मुंह वाला मुझे एक दोस्त नहीं चाहिए, सक्सेस के नशे में मुझे होश नहीं चाहिए, रोशनी चाहिए इस युवा आवाम को, पहचान चाहिए दोस्त नहीं चाहिए, दो मुंह वाला मुझे एक दोस्त नहीं चाहिए, सक्सेस के नशे में मुझे होश नहीं चाहिए, रोशनी चाहिए इस युवा आवाम को, पहचान चाहिए यहाँ हर एक गुमनाम को, भगवान चाहिए यहाँ हर एक ईमान को। भाई यार इक्का भाई क्या लिख रहे हो यार भाई, जो फेक जोश नहीं चाहिए भाई, प्रो है सब लोग, यहाँ पे कुछ कोच भी नहीं चाहिए भाई, बहुत प्यारा लिख रहा है भाई, बहुत प्यारा लिख रहा है भाई का भाई यार बहुत। और साथ में कुछ बोला कि यहाँ पे डिसमिस नहीं चाहिए यहाँ पे युवा लोगों को, शायद ऐसा कुछ बोला है भी भाई का यार, बहुत दिमाग से लिखा भाई, बहुत सोच समझ के लिखा है भाई गाना यार, आंखें खोलने वाला गाना लग रहा है भाई मेरे को ये। मैं मुझे होश नहीं चाहिए, रोशनी चाहिए इस युवा आवाम को, पहचान चाहिए यहाँ हर एक गुमनाम को, भगवान चाहिए यहाँ हर एक ईमान को, ईमान होने नहीं देता एक अल्लाह और राम को। सही बात है, मैं फैन भगत सिंह का गुलामी नहीं सहता, खुद पे है भरोसा, आसमान में हूँ रहता, हाथ में कलम कागज पर पानी सा हूँ बहता, मेहनत से बना पुल जो आसानी से नहीं ढहता, फिर से लाए भाई का भाई यार रिवोल्यूशनरी गाना है भाई, ये रिवोल्यूशनरी गाना है। और ये भाई ये क्या लिख दिया विक्का भाई यार, अपने यार
ये यार मैं हमेशा से कहता हूँ इस टाइप के गाने कहीं ना कहीं ना आने चाहिए, क्योंकि ये एक जोश भरने वाला काम करता है। और जो आसपास के जो मूवमेंट चल रहे हैं, जो आसपास हरकतें चल रही है, जो भी का भाई ने बोला कि लड़ाई हो रही है आज़ादी के लिए, अभी भी लोग लड़ रहे हैं आज़ाद है फिर भी, हिंदू मुस्लिम राम मस्जिद, भाई बहुत बहुत सोच समझ के लिखा भाई का भाई ने, बस यही बोलूँगा मैं यार। और मतलब सब शब्दों को फील करो यार। पर पानी सांग बहता, मेहनत से बना पुल जो आसानी से नहीं ढहता। फिर से लाया हिप हॉप वाली बातचीत, हॉप यानी मूवमेंट, हिप यानी ज्ञान भी, धर्म इतने सारे किस हिप हॉप के बारे में भी बता दें। और आज के टाइम पे मैं सच बता रहा हूँ भाई, हिप हॉप सुनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें से 20-30% ऐसे लोग हैं जो जिनको मालूम ही नहीं कि हिप हॉप क्या है। और यहाँ पे हिप हॉप की डेफिनेशन भी बता दें कि हिप हॉप मतलब क्या है, मूवमेंट है, रिवॉल्यूशन है। और ये गाना भाई रिवॉल्यूशन है यार। बड़े बड़े रैपर को ना इस टाइप के गाने जरूर निकालने चाहिए, क्योंकि अगर हमने देखा होगा स्टार्टिंग पे जब उनकी स्टार्टिंग की एज होती है तो इस टाइप के ऐसे गाने निकालते हैं, उसके बाद जब वो धीरे धीरे फेमस होने लग जाते हैं तो इस टाइप के गानों को साइड कर देते हैं। लेकिन अभी EPR बहुत अच्छा कर रहा है, और ये भाई करना चाहिए यार, बड़े बड़े रैपर को इस टाइप के गाने निकालने चाहिए यार, सच में यार। हॉप वाली बातचीत, हॉप यानी मूवमेंट, हिप यानी ज्ञान भी, हम इतने सारे किसको मानूं, मैं हूं नास्तिक, बार मेरे स्लॉटर हाउस कंटेंट है ये ग्राफिक, टू मच रियल, लोगों को हजम नहीं, सबको कन्विंस करूं उनकी माँ का मैं खसम नहीं। अच्छा ये तो यार हेटर्स के लिए हो गया, मतलब बहुत लोग बोलते हैं भाई ये सही नहीं है तुम्हारा, ये सही नहीं है, कमेंट करते हैं कि भाई इसको ऐसे करो, इसको वो करो, भाई आप इससे ये कर लो, उससे वो कर लो। ये हेटर के लिए ही बोल दिया भाई, मैं तुम्हारी माँ खत्म नहीं हो भाई, लोगों को हजम नहीं, सबको कन्विंस करूं उनकी माँ का मैं खसम नहीं, ऐसा कौन सा नागासा की जो हमने किया भस्म नहीं, ये प्योर आर्ट ऑफ वाइट बैलेंस यागा वाला टशन नहीं, टशन नहीं है भाई, कुछ फेक नहीं है, ओनली टैलेंट है भाई। और इससे पहले भी इम्प्रूवमेंट की बात करें तो लोग कमेंट करते ना कि भाई थोड़ा इम्प्रूव करो, थोड़ा म्यूजिक सही करो, थोड़ा आवाज को सही करो। यार ये इतने टाइम से कर रहे हैं भाई, इनको मालूम है जो ये चीज निकाल रहे हैं, उनको पता है, वो सोच समझ के कुछ ना कुछ पब्लिक के सामने रख रहे हैं ताकि पब्लिक को भी अच्छा लगे। अब यार 2-4-5-10-20 लोग तो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं कमी निकालेंगे, और वो कहीं ना कहीं हेटर्स ही होते हैं। बट यहाँ पे भाई वो तुम्हारी माँ का खसम नहीं है, इतना याद रखना, जो बंदा करेगा वो करेगा क्योंकि उसको मालूम है इतने टाइम से कर रहा है और यहाँ तक पहुँचा है, तो भाई आप लोगों की वजह से पहुँचा। लेकिन कुछ लोग हैं जो गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लो भाई ब्रांड का नेम है, कुछ फेक नहीं है, खाली जोश है। जो हमने किया भस्म नहीं, ये है प्योर आर्ट ऑफ वाइट बैलेंस यागा वाला टशन नहीं, मुझे है सबर तभी शांत हूं मैं पानी सा। ओ यार, और साथ में यार देखो इसका जो म्यूजिक के साथ साथ जो ये चीजें चल रही है ना, जो ये ग्राफिक चल रहा है, जो ये चीजें डिस्प्ले दिखाई जा रही है, अभी बोला कि मैं शांत हूँ, और इसके अंदर जो पाकिस्तान का एक वो हमने देखा था वीडियो जिसके अंदर वो लोग उसको परेशान करते रिपोर्टर को, वो वाला सीन बोला, और वो बंदा बहुत शांत था, लोगों को समझा रहा था, और उसका ग्राफ यूज किया यार बंदे ने यार। ऊंचा क्योंकि आवाज ये आजाद है, आजाद है। ये मैं निको भाई यार, भाई दिल जीत ले आपने यार, एक के बाद एक ऐसे खतरनाक गाने लेके आ रहे हो, और इस टाइप के गाने, और हुक लाइन देख लो भाई, आवाज ही आजाद है, और यही बाद में जाके इसको दबाओगे तो यही आतंकवाद बनता है, जो कि कहीं ना कहीं सच है। और आज के टाइम में किसी की भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने भी कांड हुए हैं वो इसीलिए हुए कि वो लोग खुल के आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनको दबा दिया जाता है। रिवॉल्यूशनरी गाना है मेरे हिसाब से कहने के, और ये बहुत परफेक्ट गाना है। और मैं तो कह रहा हूँ यार, जितने भी बड़े बड़े रैपर्स हैं ना, चाहे वो एमिवे, रफ्तार, कृष्णा, या फिर डिवाइन, या फिर जो हनी सिंह, बर्ड भाई जैसे कि क्या भाई ने बोला, मैं पंछी हूँ और ये आसमान मेरा है, मैं कभी नहीं रुकने वाला, आज़ाद हूँ, हम सब भी आज़ाद हैं। इसलिए भाई जो आपका मन करता है, जिस आपको गलत लगता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टिंग में मुझे कहने के लगा कि चैन के को थोड़ा बहुत ट्रोल किया है, अब मुझे नहीं पता भाई ये क्या सच है क्या गलत है। वर्ड हेटर्स को भी बोल दिया, अपने दिल की बात भी रख दी सामने, और सामने बता दिया कि भाई मैं आजाद हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो करता रहूँगा, और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। भाई ये गाना बहुत दिमाग लगा के लिखा है, बस मैं यही बोलूँगा, और बहुत प्यारे तरीके से लिखा है।
और मैं यही कहूंगा कि यार हर एक रैपर को इस टाइप के गाने निकालने चाहिए, बट बाकी गाना सुन के मुझे बहुत मजा आ गया, एक जोश आ गया, रिवोल्यूशनरी गाना मैं इसको आराम से कह सकता हूँ। लेकिन आप लोग बताना आपको ये गाना कैसा लगा, कहीं ना कहीं आपको जोश आया कि नहीं आया, और आपको क्या लगता है कि ये किसी के लिए है या नहीं है। बाकी सिस्टम के लिए भी गाना हो सकता है अगर देखा जाए तो, कि यार लोग जो दबाने की कोशिश करते हैं लोगों को, बट गाने की बात करूँ गाना बिल्कुल परफेक्ट था, ओके था, मजा आ गया गाना सुन के। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको गाना कैसा लगा। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।